तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस थैंक यू वेरी मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो 1K क्रॉस कर जाएगी। मुझे तो लगा था 200-300 व्यूज़ आ जाएंगे, बस बहुत है। बट यार आपने तो 1.5 के आसपास वीडियो पहुँचा दी, अमेजिंग यार, थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं जा रहा हूँ रिज्यूमे प्रिंट कराने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी जॉब ही ढूंढ ली जाए। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है एंड ऑल दैट, बिकॉज मेरी सिस्टर यहाँ रहती है एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग ओवर हियर। सो शी सजेस्टेड कि अब जैसे मैं इतने दिन से यहाँ पे हुई एंड अभी इंडिया का तो कुछ पता चल नहीं रहा, शी इज़ लाइक कि व्हाई डोंट यू फाइंड अ जॉब ओवर हियर फॉर अ टाइम भी। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ रिज्यूमे प्रिंट कराने, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो प्रिंट आउट्स हैं वो बहुत महंगे निकलते हैं, लाइक 3 dirhams फॉर वन प्रिंट, सो दैट इज़ 60 rupees फॉर वन प्रिंट आउट, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो एक शॉप मुझे किसी ने रिकमेंड की है जहाँ पे थोड़ा सस्ता प्रिंट निकलता है, तो मैं भी वही शॉप फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो लेट मी फाइंड द शॉप एंड लेट मी गेट सम प्रिंट्स डन, एंड 2-3 कंसल्टेंसीज हैं वहाँ जाके मैं जॉब अप्लाई करूँगा। तो यार प्रिंट्स निकल गए हैं, प्रिंट निकले हैं, ये एक शॉप है इस शॉप से, और जो प्रिंट है वो मुझे कॉस्ट किया 1 dirham पर प्रिंट, कलर्ड प्रिंट, सो दैट इज़ फॉर 20 rupees फॉर वन प्रिंट, सो टोटल मेरे लगे 9 dirham, सो दैट इज़ 180 rupees मेरे लग गए प्रिंट निकालने। आई ड्रॉप माई CV एट अनदर कंसल्टेंसी नियर बाय थी घर से, नाउ आई एम गोइंग टू दुबई मॉल। तो उसके लिए मेट्रो बोर्ड करनी पड़ती है, तो मेट्रो में बैठते हैं। मेट्रो में मैं शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेट्रो में शूट करना इज़ नॉट अलाउड। मैं आपको सीधा मिलता हूँ दुबई मॉल, और बीच में अगर कुछ अच्छा दिखा देन आई शो इट। आई हैव रीच दुबई मॉल, यहाँ मुझे छुप छुप के ब्लॉग करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ब्लॉग करना अलाउड नहीं है। अब आप सिर्फ देखते जाओ, आई विल शो यू द मॉल, आई वोंट बी एबल टू स्पीक मच, सो हियर यू गो। सो हियर इज द स्टारबक्स ऑन माई लेफ्ट, तो कॉफ़ी ले ली गई है, कॉफ़ी लेके पीते हुए निकलेंगे यहाँ से। अब अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर यहाँ पे चलान नहीं कटता, बट अगर कट गया तो फिर यही देगी। दिस इज माई सिस्टर, सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके, बट कोई बात नहीं, कर देना। कह रही है तो कुछ कह नहीं सकते, बहन है। ओके, सो दैट यू नो बेस्ट बुक स्टोर एवर दैट एवर सीन इन माय लाइफ। व्हाई इज दैट सो? इट हैज एवरी बुक, every book in the world. According to Simar, ये जो सामने bookstore आप देख रहे हो, Kinokuniya. Yeah. So this is the best bookstore ever because it has all the books in the world, as she said. You can get anything here, कुछ भी मिलेगा, कोई भी book मिलेगी, बस नाम लो and मिलेगी. और moreover मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे आप बैठ के books read भी कर सकते हो. Yeah, exactly. You can just read the books here. So let's go inside and let's see. तो भाई हम चोरी से अंदर घुस गए हैं कैमरा लेके, किसी को पता नहीं चल रहा कि हम व्लॉग कर रहे हैं। ओहो भाई साहब, सारी एनिमे बुक्स वाकई में यार, दिस इज अ वेरी बिग बुक स्टोर, लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स। सो यहाँ पे सारी पजल्स हैं, जिग्सॉ पजल्स हैं सबकी सब। साइबर पंक स्पिरिट गेम, पता नहीं क्या ही बनाया है इतनी मेहनत करके। The Quran is present in every language here. ऐसा क्या? As you can see यहाँ पे, like see, Quran in Tamil, Swahili. Swahili is basically Sri Lanka. Somalia, Sri Lanka, Chinese, Bengali, Persian, Arabic, सारी languages में है यार। And look at the covers, they are so beautiful, man. They are so beautiful. So if you wanna gift something to a person who lives here, who knows the value of Quran, just gift him this. Him or her too. Yeah, exactly. दोनों को दे सकते हो। ये भी सारी यार देखो कुरान है। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन्स भी हैं और बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैगजीन्स यहाँ देख रहा हूँ मैं। वोक की है, कॉस्मोपॉलिटन इज देयर, अलोरे ब्लैक, बहुत सारी हैं यार, लाइक मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स, एवरी थिंग इज़ हियर। हाँ, जो एक मैगजीन है जो सारे लड़के ढूंढते हैं वो वाली नहीं दिख रही मुझे, बाकी सारी हैं। छुपाना पड़ रहा है मुझे, कैमरे ना छुपाना पड़ रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी वाले देख लेते हैं।
इट्स नाइस यार, लोग यहाँ बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं बुक्स। और ये देखो शी मैन, सो मेनी बुक्स यार। मतलब बुक लवर्स के लिए, जो बुक वॉर्म्स होते हैं उनके लिए तो जन्नत है ये। मतलब एक बार घुस जाए वो तो सारी ज़िंदगी निकले ना यहाँ से। If you want to read an amazing book, this is the Puri series. I have read all of them. Startle Me is the first, Unravel Me is the second, Ignite Me, Unite Me, Defy Me, Find Me, Imagine Me. These are written by Zehe Mafi, and this book is about there's a girl who is who has some superpowers and she's in an asylum. बस बाकी पढ़ लेना। सब कुछ बता देंगे तो पढ़ोगे क्या तू? हैं, चलो और दिखाते हैं। ये देखो सेक्सी एक्शन फिगर्स उल्टी पड़ी है। लुक एट दिस मैन सेक्सी। ओह कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग अलर्ट। नन, दैट्स नन। दिस सो अमेजिंग मैन, सो अमेजिंग। बुक लवर्स के लिए कितनी बढ़िया जगह है। हैव अ लुक गाइस, कितने मस्त मस्त पेंस पड़े हैं यहाँ पे। I don't know why I love stationery so much. Me too. I love stationery. Please take me away from this area or else I'll go mad. I want all the pens, all these pens. Oh my god, look at this cabinet man, look at the pens. Samne dekho bhai saab. This is for 630 AED. Calculate कर लो, into 20 कर लो। Special edition pen, Sakura. Oh my God, Sakura edition. Glass pen, it's a glass pen. 750. Yeah, and that pen is basically made from glass, pura. It's beautiful. Bookstore से मैं बाहर आ गया, उन्होंने निकाल दिया धक्के मार के, कह रहे जाते ही नहीं तुम, इतनी सारी books देखी जा रहे हो, तो वहाँ recording भी नहीं करने दे रहे थे, इसलिए मैं बाहर आ गया। अब अभी चार दुकानें दिखे हैं दुबई मॉल की, पर मैं थक सा गया हूँ क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। हैव अ लुक, देख रहे हो, मतलब मॉल के बीच में LED स्क्रीन लगा रखी है उन्होंने, वो भी गोल राउंड स्क्रीन लगा रखी है। उस पर भी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, पर मानना तो है नहीं तुम लोगों ने, है ना। लुक एट द व्यू मैन, देखो कितना ही बड़ा मॉल है यार। वो देखो नीचे फ्लोर्स पे LED लगी हुई है, सब छोड़ो। मेरा फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बोस, लेंगे कभी एक दिन जिंदगी में। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें फेवरेट आएंगी आपको। फिर आप उसको भी ब्लॉक करके बोलना नाइके के शोरूम में घुस जाओ बस। नाइके का शोरूम कितना सेक्सी लग रहा है यार। इसके अंदर जो जॉर्डन है, जो जॉर्डन की कलेक्शन है, आई एम अ फैन। अच्छा गाइस, ये एती सिलात इज लाइक MTNL दिल्ली। Not empty. It's like Delhi. When you come here and you have the connection for Vodafone, it will turn into AT Salat. यहाँ पे दो ही तो main है, AT Salat and DU. DU नहीं है, DU. यार एक ही बात है. Look at this man. देख रहे हो, खर्चा करते हैं लोग यहाँ पे malls के अंदर. ऐसे ही नहीं दुकान. Adidas क्या sexy लग रहा है लोगों man. Look at this. Look at this. Harman Kardon. Harman House. ये स्क्रीन हरमन कार्डून इज हरमन हाउस हियर। हरमन व्हाटएवर माय ब्रदर्स नेम इज हरमन। इसी का ये JBL का स्पीकर देख लो, इतना बड़ा। यू नो व्हाट डज ही से व्हेन ही कम्स टू दुबई मॉल एंड ही सेस हरमन वाला शोरूम देख के व्हाट ही सेज इज लुक एट दिस विंटेज कार्ट। ये तो मैंने खरीद के रखा हुआ है, ये तो मेरा ही है, ये दुनिया मेरी है। तो वो ऐसा है कि ये ना मैंने खरीद के रखा है गाइस, फॉर द कॉन्टेक्स्ट हरमन मेरा भाई है छोटा, तो मेरा उसके बारे में बात हो रही है। हाँ। तो हरमन कहता है कि हरमन कार्डन जो है वो मेरा ही है, बिकॉज उसका नाम हरमन है, तो वो कहता है कि अपना ही है, मतलब ये दुनिया अपनी है। लिटरली वो बोलता है कि दुबई उसका है, शेख को उसने दिया हुआ है, अ गिफ्ट, लीज पे दिया हुआ है दुबई थोड़े दिन के लिए। उसके बाद कह रहा जब मैं आफ्टर 18 आई विल टेक ओवर। और नाउ सामने मेरे दो तीन फेवरेट स्टोर हैं, ये लड़कियों के फेवरेट स्टोर सामने है, देखो सरोज की सफोरा एंड वो देखो ऊपर टायर, और उसके साथ में है गुची। दिस
this whole section is for kids. Oh, see. See any? This is Emporium Mani. That's for. This is Ralph Lauren. That is Versace. That's for kids. एंड गाइज अगर मैं किसी भी ब्रांड का नाम गलत दे रहा हूँ प्लीज़ ट्रोल मत करना मेरे को हो जाता है सबसे होता है लुक एट दिस भाई साहब मतलब अंबानी साहब के पोतों के लिए बनाए हैं हम तो ना ले पाएंगे राइट मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ह्यूमन मेंटालिटी यू नो आई कंपेयर थिंग्स लुक एट द स्टोर इट्स सो ब्यूटीफुल मैन सो ब्यूटीफुल दैट्स पिनोकियो हाय पिनोकियो सी दैट बहुत अच्छी गाना फॉर किड्स दिस इज डी एंड जी फॉर किड्स बेंडी फॉर किड्स देखो शेक गया ना शेक के बच्चों के लिए अब देखा नहीं हमने बेंडी भाई एक ब्रांड है फेंडी बहुत ही अमेजिंग सा बड़ा सा ब्रांड है उसका वो क्या स्टोर है यार स्टोर है सो सेक्सी मुझे पता है जोन जोन से ब्रांड है मेरा पता है मेरा मन कर रहा है बी रोल्स बनाने का बट मैं बना नहीं सकता यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी नहीं तो मैं बहुत सेक्सी बी रोल्स बनाता यहाँ के सिनेमैटिक्स लेता मज़ा आ जाता दैट इज अ फूड कोर्ट यू गोना गो देयर हैव सम फूड फ्रॉम वेंडीज और एनीथिंग एंड बिकॉज़ वी हैड केएफसी 2 डेज बिफोर KFC तो यार हम दिल्ली में भी खाते हैं तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स समथिंग न्यू समथिंग वेंडीज वेंडीज एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है यहाँ पे फूड कोर्ट में सबको पता है वेंडी कौन है भाई मुझे नहीं पता मेरे को नहीं पता वेंडी कौन है आई एम गोइंग टू हैव दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कमेंट सेक्शन में बता दो कि वेंडीज कौन कौन गया है किस किसने खाया बताओ दिल्ली में वेंडीज देखा फिर ऐसे मतलब कुछ भी हम तो दिल्ली से है ना हम तो दिल्ली से कंपेयर करेंगे सो लेट्स सी वेंडीज में मिलता क्या तो यार ये तो यहाँ पे बर्गर शर्गर ही खिला रहे हैं यही है अब देखो ऐसा है खाते हुए किसी को देखते नहीं अच्छा नहीं होता हाँ, बाद में तो अब मैं खा के बात करता हूँ बाद में दिखाऊंगा आई पोस्ट सम पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम की मैं क्या खा रहा हूँ तो जाके फॉलो करो और वहाँ जाके चेक करो ठीक है बाकी आई पिक अप द व्लॉग आफ्टर ईटिंग हाँ